देश को चलाने के लिए बैलगाड़ी की बहुत जरूरत है। कंधे पर ज्यादा जोर। अच्छा पीछे हो जाए यार, थोड़ा और तो पीछे हो जाइए। ये जो दोनों बैल हैं, इनका कोई नाम वाम है? नाम हमारा जो है एक बल है एक बुद्धि है। बल और बुद्धि नाम है, वाह जी। किसान चाहता क्या है? किसान यही चाहता है कि उनको जो है हक मिले। जब चुनावी कवरेज शुरू होती है इतना भागा दौड़ी रहती है और इतना थक जाते हैं कि एक समय वो आता है जब मन करता है कि बस अब थोड़ा ठहर जाएं, थोड़ा रुक जाएं और ज़िंदगी जो है ना वो हल्की सी धीमी हो जाए, स्लो हो जाए, आराम करें भाई इस बैलगाड़ी की तरह। नमस्कार आशुतोष जी। नमस्कार मैम। बैठे आइए, कोशिश करते हैं बैठने की। जी बैलगाड़ी बाबा ऐसे मोड़ा जी। तुम सब भैया तो नहीं पीछे दबे रहे हो? तो गिरेंगे तो नहीं ना भैया? नहीं 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 नहीं। तुम सब पीछे दबे रहे हो? आशुतोष जी आपने भरोसा दिलाया है कि हम गिरेंगे नहीं तो हम बैठे हैं। जी मैम भरोसा पक्का है ना? जनता को भी ऐसा भरोसा है आप पर? मैम जो है हमारे किसानों पे जो है पूरा देश पे भरोसा है। हाँ। कि कभी किसान हमारा भाई कभी गिरने नहीं देता, तो आज किसान का बेटा कैसे आपको गिरने देगा मैम। वाह। और हमारी ये बैलगाड़ी जो है, बैलगाड़ी के माध्यम से जो हमने संसाधन हमने चुना है, ये पूरे भारतवर्ष को अगर देखा जाए तो चलाता है। ऐसे साधन को अगर आप अपना चुनावी चिन्ह बना रहे हैं तो ये संदेश तो नहीं जा रहा है कि आपके साथ भी कहीं विकास की गति धीमी ना हो जाए? नहीं मैम, अगर देखा जाए किसान बहुत धीमे गति से चलता है, हमारी बैलगाड़ी बहुत धीमी गति से चलती है, लेकिन विचारधाराएं जो है पूरे भारत को चलाती है। जैसे कि अगर देखा जाए किसान अपना अनाज बोता है, फिर उसके बाद उसको इंतजार करना पड़ता है, अनाज जब बोने के बाद में उपज होते हैं, पेड़ निकलते हैं, फिर अनाज लोगों को चारा खाना खिलाते हैं, अनाज उगता है। इसी तरीके से बैलगाड़ी तो बहुत धीरे चलती है, लेकिन देश को चलाने के लिए बैलगाड़ी की अब बहुत जरूरत है, किसान की बहुत जरूरत है और किसान के बेटे की जो जरूरत है। हाँ। कि बहुत ही तरीके से आगे लेकर जाएगा देश को जो है, इसलिए हमने बैलगाड़ी को हमने चुना, क्योंकि किसान बैलगाड़ी हर एक घर में पाए जाएंगे, हर एक गाँव में पाए जाएंगे, फोर व्हीलर चाहे किसानों के घर में नहीं पाए जाए। अच्छा, जैसे गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा हंसी मजाक बीच में चलेगा तो अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब गाड़ियाँ होती हैं, उनका माइलेज होता है? जी मैम। तो ये इस गाड़ी का माइलेज क्या है जरा बताइए? एक घंटे में जो है 20 किलोमीटर हमारा जो चलता है जो है। हाँ। और बहुत धीमी गति से और आराम से कम्प्लीट कर देता है मैम, और डोर टू डोर समस्याओं को देखते हुए हमारा चलता है। तो जैसे वो जो कछुआ और खरगोश का एक कहानी बताई जाती है कि खरगोश जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा जी, लेकिन जा करके एक जगह रुक गया, और कछुआ धीरे 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 चलते जी, हुए जी, और वो रेस जीत गया। तो आप भी वही मानकर चल रहे हैं? किसान के इस समय हालात के हम आपको बता दें। हाँ। इस समय बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, और अपने किसान के हर एक नवयुवकों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। अब एक ही जा रहा है, किसान का बेटा स्वयं चुनावी मुद्दे में आए और अपने किसानों के मुद्दे को उठाए। किसान यही चाहता है कि उनको जो है हक मिले जो जिस तरीके से है, क्योंकि खेत बोते हैं लेकिन ठीक आय इनकी नहीं निश्चित हो पाती है, आय इनकी नहीं हो पाती है। इसलिए जो अगर मैं जीतता हूँ पार्लियामेंट में पहुंचूंगा तो इनकी 10 गुना में आय बढ़ाने का मैं मुद्दा उठाऊंगा। अच्छा। दूसरा जो है ऑर्गेनिक खेती का मैं उठाऊंगा। अच्छा। कि ऑर्गेनिक खेती हो जिससे देश हमारा जो है शुद्ध अनाज मिले और जो है स्वास्थ्य जो हमारा है वो शुद्ध हो जाए, सही हो जाए, और साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं ठीक प्रकार से पढ़ाई नहीं हो पाती है, पढ़ने में कठिनाइयां होती हैं, तो ऐसा मैं हमने 7,000 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम किया हमने जो है। हमारे साथ में वैष्णवी शिक्षा ग्रामीण फाउंडेशन है जिसके धर्मेंद्र जी हैं, साथ मिलकर जो है 7,000 बच्चों को आपके लखीमपुर धौरहरा क्षेत्र में हमने कार्य किया है। हाँ। जिसमें निःशुल्क शिक्षा हमने दिलाने का कार्य किया। हाँ। ऐसा हम नियमावली लेकर आएंगे कि पूरे लोकसभा में फ्री में शिक्षा हमारे पूरे बच्चों को मिल जाएंगे। अगर हमारी सरकार बनती है तो पूरे भारत में लागू करेंगे कि अच्छी शिक्षा हो हमारे किसानों की, और जिससे हमारे किसान के बेटे आगे निकले, वैज्ञानिक बने, साइंटिस्ट बने,
डॉक्टर बने और बड़े बड़े उच्च अधिकारी बने जो है, जिससे देश को आगे बढ़ा सके। एक बात मानी जाती है जो जी, कि अब जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं उनको लोग कवर करते हैं, बड़े बड़े नेताओं की बात करते हैं चुनाव में जी, और निर्दलीय जो लोग लड़ते हैं उनकी कम बात होती है जी। तो क्या ये पहले से मान लिया जाता है कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे? देखिए मैम, जो है लोगों की एक विचारधारा गलत है। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति एक निर्दलीय या छोटी पार्टी, आम छोटी पार्टी उस होता है, या हमारे जैसे आम जनता पार्टी इंडिया का उम्मीदवार होता है, सबसे ज्यादा कठिन मेहनत वही करता है जनता के बीच में। लगातार मैं 6 महीने से मैं पैदल मैं लगातार जनता के बीच में मैं चला हूँ, और हमारे पास में एक डायरी है बाकायदा किसानों का दर्ज, वो कम से कम 100 गाँव से अब मैं गाँव में टहला हूँ, और कम से कम 20 गाँव का मैं आपको दिखाऊंगा जो है ये दर्ज हमारे नाम है जो किसानों की कठिनाइयों का जो है बयां कर रही हैं। लेकिन एक हमें बड़ी दिलचस्प बात लगी जी आशुतोष जी, आप जी। बैठे हैं बैलगाड़ी पर जी, और चला रहे हैं गूगल मैप क्योंकि आप हमको ट्रैक कर रहे थे जी जी। हाँ, तो ये दो एकदम एक्सट्रीम जो भारत हैं जी, कि विकास जो हो रहा है वो गूगल मैप से पता चल रहा है जी, लेकिन फिर बैलगाड़ी की तरह धीमे धीमे हो रहा है जी, तो इसका संदेश जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल मैम जा रहा है, बहुत ही सीधे देश हमारा जो एक गति बहुत स्लो चल रहा है, अब उसको तेज चलाने की जरूरत है। और जब हमारा पार्लियामेंट में कोई किसान आएगा, किसान का बेटा आएगा तो और तेजी रफ्तार से चलेगा, क्योंकि जमीनी स्तर की नॉलेज सिर्फ और सिर्फ किसान के बेटे के बारे में होती है। आखिरी चीज हम जरा इन लोग के बारे में भी बात करना चाहते हैं, कोई नाम वाम रखा है आपने इन लोग का? बैलगाड़ी हमारा जो है, तो इन ये जो दोनों बैल है इनका कोई नाम वाम है? नाम हमारा जो है एक बल है एक बुद्धि है। बल और बुद्धि नाम है, वाह जी, ये बड़ी अच्छी बात। ताकत हमारे किसानों में और साथ साथ अनाज जो खाते हैं वो बुद्धि भी है पूरे भारतवर्ष को चलाने के लिए। तो अगर इनसे पूछा जाए कि बल जी और बुद्धि जी जो हैं, देखिए बयां कर रहे हैं, कभी थकती तो नहीं है आप? कभी थकती नहीं है मैम, सरकार को चलाने के लिए पूरा क्षमता है, बल बुद्धि पूरे भारतवर्ष को चलाएगी अब। अच्छा, तो ये जैसे हम लोग बैठे हुए हैं अब हमें लग रहा है कि कहीं बेचारी थक ना जाए। नहीं, कभी नहीं थकती मैम, जो है लगातार अभी कहिए तो अभी ये चलने के लिए तैयार है। अच्छा जी, लेकिन हम उतना ही दूर चलाते हैं जितना जो चलने योग्य हो, जिसे इनके जो है आगे भी चल सके। चलिए, बड़ी अच्छी आपने बात कही, ये हम चला पाएंगे? बिल्कुल मैम, हम चला पाएंगे। बिल्कुल मैम, लाइए हम आपको चल पड़ेंगे मैम, आइए। चलिए जी, थोड़ा पास थोड़ा पकड़ लेना, ऐसा ना कि पीछे में। अरे भाई, इधर पीछे कोई, पीछे वाले पीछे दब ले, पीछे चलिए चलिए चला चल चला 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 है ऊपर ऊपर खींचे इसकी ट्रेन दे। अच्छा 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 चला, अरे बल और बुद्धि जी चल, देखिए गिराइए जी। बस ये हमको सही सलामत उतार दे तो। बिल्कुल, बिल्कुल। चलेंगे मैम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल। हाँ, तो इसमें गियर वेयर होता है कि नहीं होता है? गियर हमारा अचानक है, दिखाएं आपको? ये गियर है, ये गियर है, देखिए ये रुक गया। और रिवर्स में जानी हो गाड़ी तो क्या होगा? रिवर्स अभी देखिए अभी हो जाएगी। चल चल, रिवर्स नहीं, सिर्फ नहीं आगे नहीं घुमा सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ेगी। देखो आगे इसलिए बढ़ेगी क्योंकि आगे देश को ले जाना है, इसलिए रिवर्स गियर हमारा नहीं, आगे बढ़ाना है ये देश। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, है तो गाड़ी चलाना तो हम नहीं सीख पाए वैसे दोस्तों, लेकिन बैलगाड़ी चलाना सीख गए। और आपको हम जानकारी देना चाहेंगे मैम, आज जिसमें गांव में आपको देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पे ठीक प्रकार से कोई घर बना हुआ ना, कोई शौचालय है ना, आपको आपको लाइट दिख रहा होगा, मतलब आज भी जो है देश हमारे अंधेरों में यहाँ के लोग जी रहे हैं। लाइट यहाँ पे आज तक जो है फिलहाल आपको दिख नहीं रहा होगा कि उजालों की रोशनी है ही नहीं, लाइट का लाइन ही नहीं आया मैम, लाइन ही नहीं है। बताइए तो फोन वोन कैसे चार्ज करते हैं आप लोग? अपना जो है गांव के पड़ोस में जाते होंगे लेकर जाते हैं, सोलर पैनल से चार्ज करते हैं। सोलर पैनल लगे हैं जी, स्वयं लगा के रखे हैं, क्या करें, मजबूरी है यहाँ के लोगों की। अच्छा, और हमारी किसान भाई पूरा बताएंगे, फुसड़ी गौड़ी के नाम से भाई मैम,
जिसमें आप सब टहलने, आप जितना भी इर्द गिर्द आप गाँव देखेंगे, हाँ। यहाँ के लोग देश आजाद हो जाने के बावजूद भी यहाँ पे जो अभी ठीक प्रकार से आजादी इनको नहीं मिल पाई है, न शौचालय, आवास, समझ गए, लाइट ठीक से इनके ना पास, खेत हैं, रास्ता भी खराब है, रास्ता तो आप देख ही रहे हैं, ये सारे मुद्दे हैं। अभी हम आपको किसानों के बीच में लेकर चलेंगे और यहाँ पे जानवर घूमते रहते हैं, कोई गौशाला यहाँ पे नहीं बना हुआ मैं। अच्छा, तो समस्याएं तो बहुत ज्यादा हैं, छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं। आशुतोष पाठक का ये वादा है, अगर मैं पार्लियामेंट में पहुँचता हूँ तो पहले फुसेही गौड़ी का और चकदाह गांव का मैं मुद्दा उठाने का मैं कार्य करूंगा। सबसे पहले मैं कार्य करूंगा, विकास करने का कार्य करूंगा और रोड जो है उसको बनवाने का मैं कार्य करूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय किसान, जय किसान। चलिए।